दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला किस प्रकार से यूज करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो मेथड है वो तीन टाइप का होता है। या तो हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो ईयर वाइज करते हैं, या फिर हम मंथ वाइज करते हैं, या फिर डेज वाइज करते हैं। तो इन तीन मेथड के ऊपर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी जाती है। और आज की इस वीडियो में हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे भी हम ईयर वाइज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मंथ वाइज के लिए क्या यूज़ करेंगे और डेज वाइज क्या करने वाले हैं, और इसके साथ साथ टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आएगी, और उसके बाद में टोटल हमारी प्रिंसिपल अमाउंट और विद इंटरेस्ट जुड़ के टोटल हमारा बैलेंस कितना रहेगा, और उसके बाद में अगर हमें पर मंथ इंस्टॉलमेंट निकालनी हो या फिर मंथ वाइज अगर कैलकुलेट करनी हो तो पर डेज की अगर हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगती है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन के जो मेथड है ना उसका पता होना चाहिए। तो हमें स्पेशल तीन बातों का पता होना चाहिए। अगर तीन टाइप का रिकॉर्ड हमारे पास में है तो इंटरेस्ट की अमाउंट ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। सबसे पहला जो हमारा रहता है वो रहता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो आपका मेन राशि है, मूलधन है आपका, वो कितना है, और उसके बाद में आपने इंटरेस्ट किस परसेंट से चार्ज करना है, यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, किस दर से आप ब्याज है जो कैलकुलेट करना चाहते हो। और तीसरा हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए टाइम का, यानी कि आप कितने टाइम तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो ये तीन रिकॉर्ड आपके पास बेसिकली होना कंपलसरी है, तभी हम इंटरेस्ट के अमाउंट को सही तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड यही है भी आप प्रिंसिपल अमाउंट उसको हम गुणा करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम ऑफ जो आपका टाइम्स है उसके दौरान। सीधा सा फॉर्मूला, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को गुणा करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से और फिर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, ईयर्स वाइज, मंथ वाइज या फिर डेज वाइज। तो सबसे पहले जो ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्ड है उसको मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ, और उसके बाद में हम इसकी कैलकुलेशन करना देखेंगे। तीनों रिकॉर्ड मैं हटा देता हूँ, आपके सामने मैं प्रैक्टिकल बताऊँगा। अब प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितनी है, ईजी लैंग्वेज को समझने के लिए हम समझ लेते हैं 100 रुपीज़। यानी कि आपने किसी को 100 रुपये दिया हुआ है, और इंटरेस्ट रेट, अब ब्याज दर आपने क्या लगानी है, 1%, 2%, 4%, 10%, 20%, जो आपने लगानी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ डालनी है। अब मान लीजिए आपने 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब हम सबसे पहली जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं ईयर वाइज, यानी कि अगर आपको 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का अगर ब्याज कैलकुलेशन कर रहे हो तो किस प्रकार से करेंगे। तो आपने टाइम पीरियड दे दिया यहाँ पे 3 साल का। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट की अगर अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है तो ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। और फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले हमें इक्वल का निशान दबाना है, और उसके बाद में अभी हमने देखा सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट उसको हम सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप इसकी सेल रेंज यहाँ पर लिख सकते हो, और उसके बाद में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम ड्यूरेशन को, और उसके बाद में सिंपल आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे हम प्रेस करेंगे तो इसका मतलब ये 30 रुपये आपका इंटरेस्ट बनेगा कितने में, 3 साल में। अगर हम यहाँ पर कोई मेथड चेंज करते हैं, 1 साल का करते हैं, तो 1 साल का आपका 100 रुपये का जो ब्याज है वो 10 रुपये बनेगा। अब बात आएगी भी 100 रुपये जब पूरा साल खत्म हो जाएगा तो टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, भी 100 रुपये तो आपकी प्रिंसिपल यानी कि बेसिक अमाउंट है और 10 रुपये आपका इंटरेस्ट है, तो टोटल आपका 110 रुपये बनना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बराबर उसके बाद में प्रिंसिपल अमाउंट पर हम क्लिक कर देंगे, या फिर आप इसकी सेल रेंज यहाँ पर लिख सकते हो A4। अब A4 का मतलब क्या हो गया, भी A आपका कॉलम है और 4 नंबर आपकी ये रो है, तो इसके सेल का एड्रेस बन जाएगा A4। आप यहाँ से भी देख सकते हो A4, तो चाहे तो आप A4 हाथ से लिख सकते हो, अदरवाइज इस पर क्लिक करोगे तो A4 ये ऑटोमेटिक लिख देगा। उसके बाद हमें प्लस करना है, और उसके बाद में जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उस पर हमें क्लिक कर देना है।
अब D4 का मतलब D इसका कॉलम और 4 नंबर इसकी रो है, एंटर प्रेस करेंगे तो टोटल अमाउंट 110 रुपये आएगी। अब फॉर्मूले का फायदा हमारे को क्या रहता है भी, अगर हम कोई भी बेसिक अमाउंट चेंज करते हैं या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करते हैं या फिर टाइम चेंज करते हैं तो ये अमाउंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। जैसा कि हम कर देते हैं 12%, तो 12% का मतलब क्या हो गया, आपका टोटल साल का इंटरेस्ट है जो 12 रुपये बनेगा और टोटल अमाउंट 112 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट की, तो अगर आपको 112 रुपये साल का है तो आपको मंथली कितना पे करना पड़ेगा, इक्वल का निशान और जितनी टोटल अमाउंट है उस पर हम क्लिक कर देंगे और डिवाइड कर देंगे हम किससे। अब एक साल के लिए है तो हम डाइसी बात है भी इसके अंदर 12 मंथ होंगे तो इसको हम क्या करने वाले, डिवाइड बाई 12, तो यानी कि आपको 9 रुपये 33 पैसे पर मंथ के हिसाब से आपको पेमेंट करनी है, तो पूरे साल के दौरान आपके 112 रुपये 12 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये तो था हमारा साल की कैलकुलेशन करने का। सेम मेथड अगर आपको बोल दे भी आपको मंथ वाइज कैलकुलेशन करनी है तो मंथ वाइज कैलकुलेशन 100 रुपीज़ एक बार हम ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम सेम हम 12% ही रखेंगे। अब आपका जो मंथ है कितने मंथ का आपने इंटरेस्ट है जो चार्ज करना है, मान लीजिए आपने कोई एक बार हम सिंपल एक मंथ का कर लेते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहे, फॉर्मूला क्या लगने वाला है, इक्वल का निशान प्रिंसिपल अमाउंट गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम पीरियड। अब यहाँ तक तो था सेम, लेकिन अब हमें यहाँ पर मंथ वाइज कैलकुलेशन करनी है, तो मंथ वाइज कैलकुलेशन करने के बाद हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 12 से, क्योंकि अब ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर आएगी ना वो एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं मंथ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर तो हमने इसको डिवाइड 12 किया नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी साल से ही कैलकुलेट करना था, अब हमें मंथ से कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ तक छोड़ देंगे तो ये पूरे साल की कैलकुलेशन कर देगा। अब हमें जितनी कैलकुलेशन आनी थी उसमें से भाग 12 कर देंगे तो पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी। एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपका 1 रुपये का ब्याज बन गया। तो आप दोनों इक्वल आप मिला के देख सकते हो, जब 12 महीने का 12 रुपये बनेगा तो जाहिर सी बात है 1 महीने का 1 रुपये बनेगा। तो ये कैलकुलेशन आपके हिसाब से हो जाएगी। और इसके बाद टोटल प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़ने के लिए बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, तो ये आपका टोटल 101 रुपये बनेगा। अब ये हमारी मंथली कैलकुलेशन हो रही है, तो अगर हम इसकी पर डेज की इंस्टॉलमेंट निकालना चाहें तो इंस्टॉलमेंट हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल आपका प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको डिवाइड हम कर देंगे 30 से, यानी कि हमें महीने के हिसाब से डिवाइड करना है। तो ये 3 रुपये और 37 पैसे आपको पर डे की पेमेंट करनी होगी, तो आप 30 दिनों के अंदर 101 रुपये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको डेज वाइज कैलकुलेशन करने के लिए बोल दिया जाए तो इसका फॉर्मूला प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर अब मान लीजिए हम एक डेज का एक बार निकाल लेते हैं फिर इसका डेज भी हम चेंज करके देखेंगे, और इंटरेस्ट की अमाउंट, अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा आपका टाइम पीरियड। अब यहाँ पर अब हमें पर डेज के हिसाब से निकालना है, तो अब यहाँ पर हम भाग देंगे 365 से, क्योंकि 365 डेज के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट आएगी, तो ये 365। अब टोटल अमाउंट के लिए सेम वही फॉर्मूला, इंटरेस्ट अमाउंट और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, तो यानी कि आपको 1 महीने के बाद के अंदर 100 रुपये और 3 पैसे की आपको पेमेंट करनी है। अब हम मान लीजिए यहाँ पर हम चेंज करते हैं 30, तो 30 के हिसाब से अब आपका अमूमन क्या रहने वाला है, राउंड फिगर के अंदर 0.99 यानी कि लगभग 1 रुपया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर भी आपका 1 रुपया बन गया और 30 दिन का यहाँ पर भी 0.99 यानी लगभग 1 रुपये के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप जितना भी देंगे, मान ली 33 कह दिया 33 दिन दे दिया, तो आपका 1 रुपये 8 पैसे का इंटरेस्ट यहाँ पर बनेगा। मंथ की अगर कैलकुलेशन करें, अगर हम 12 मंथ की बात करें तो 12 मंथ के अंदर देखोगे तो आपके 12 रुपये की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है बराबर आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक साल की कैलकुलेशन करी तो भी 12 रुपये आए, और यहाँ पर हमने मंथ वाइज कर दी भी 12 महीने का कितना ब्याज, तो जाहिर सी बात है 12 साल का अगर 12 रुपये है तो 12 महीने का भी 12 रुपये ही इंटरेस्ट रहेगा। तो इस प्रकार से हम इंटरेस्ट की फॉर्मूले की कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। और आपको मंथली अगर कोई इंस्टॉलमेंट या पर डे की इंस्टॉलमेंट निकालनी हो तो हम उसको क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइडेशन हम कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा भी हमने 10th मंथ का निकालना है, तो 10th मंथ का निकालने के लिए हम इसको अंदर क्या करने वाले हैं, जितनी आपकी अमाउंट बनी है उसको हमने भाग दे रखा था 30 से, तो अब 30 से भाग देने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा आ गया 10 महीने का ब्याज, तो और 10 महीने का ब्याज 110 रुपये और 3 रुपये 67 पैसे। अगर आपके पर डेज की पेमेंट रहती है
तो आप 10 महीनों के अंदर इसकी ₹110 की पेमेंट आपकी क्लियर होती है। तो इस तरीके से हम ईयर वाइज, मंथ वाइज और डेज वाइज हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट इसमें एक और है, अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो आपने रेट लिखा है और उसके अगर आपने परसेंटेज का साइन लगा रखा है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है जो अभी हमने यूज़ किया था, ये वाला, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम को। अगर आप, जैसा कि मैं एक बार यहाँ से इसको हटा देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ मैं, अब जैसे अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 12, तो अब जैसे 12 करेंगे ना तो ये आपको केवल 12 लिखोगे तो ये 1200 रुपये बना देगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करोगे, जब हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला यूज़ किया था ना, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, यानी कि प्रतिशत का मतलब 100 के पीछे 10 रुपये, मतलब जितना भी परसेंटेज है आपका वो 100 पे ही डिवाइडेशन होता है। परसेंटेज का भी मतलब भाग 100, अगर आपने परसेंटेज का यूज़ नहीं किया, सिंबल यूज़ नहीं किया, तो आपको भाग 100 आगे कर देना है, तो आपका ये फॉर्मूला कैलकुलेट सही करेगा। अगर आपने यहाँ पर परसेंटेज फॉर्मूला यूज़ कर लिया, जैसा कि मैं वापस यहाँ पर परसेंटेज कर देता हूँ 12, अब 12% करूँगा तो फिर मेरे को यहाँ पर जो अभी हमने भाग 100 किया था इसको, तो ये 100 करने की अब ज़रूरत नहीं, अब हमें ये इस 100 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में एक ही मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, या तो आप 100 यूज़ करो या फिर आप परसेंटेज का सिंबल यूज़ करो, तो दोनों में एक कंडीशन आपकी लागू होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर देना।